क्षमता भरू समाधि भरू प्रभु स्मरण पूर्वक मृत्यु हो सौ कोई प्रार्थना लागत हो कीर्तिकाका ने जे टूंकी मांदगी नी अंदर एमने देवलोक थया ए उपर थी पण आपणे तारण काढी शकीए कि एमनुं जीवन केटलुं उच्च जीवन हशे एमनुं जीवन केवुं धर्ममय जीवन हशे एमनुं जीवन केवुं सुसंस्कारमय जीवन हशे एमनुं जीवन केवुं परोपकारमय जीवन हशे एमनुं जीवन केवुं सुसेवामय जीवन हशे अने ए टूंकी मांदगी नी अंदर देवलोक ने पाम्या छे एमना जीवन की घटनाओं ने वगोड़ता वगोड़ता एमना सत्कृत्यों ने संस्कारों ने वगोड़ता वगोड़ता एम कही शकाय के नानी वयनी अंदर नौकरी धंधे लाग्या अने ए ईमानदारी पूर्वक नी नौकरी करता करता 16 वर्ष सुधी एक ज जग्याए सेवा करी छे एक ज जग्याए नौकरी करी छे ए समय शेठ एमने छोड़वा तैयार नथी 13 वर्ष अने पछी एने 16 उमेरीए 30 वर्ष जेटली उमर थई हशे त्यारे एमने विचार्यु कि हवे मारे पोतानो धंधो करवो छे शेठ छोड़वा तैयार नथी कारण के एमनी ईमानदारी सेवापूर्वकनी नौकरी पाई पाईनो हिसाब राखे केम करी मारा शेठनो वधारे करूं एवी भावना साथे क्यांय शेठने क्यांय नुकसान ना दावा दऊं એવી ભાવના સાથે સેવા કરે છે નોકરી કરે છે 30 વર્ષની ઉંમરે પરચુરણ કરિયાણાની દુકાન કરી રાત દિવસ ઉજાગરા કરી અને એવો પ્રગતિ કરી ધીમે ધીમે પોતાની નામના વધારી છે અને એ સમયે એક કાળની અંદર એમ કહી શકાય કે આજથી 40 વર્ષ પહેલાની વાત કરીએ કે ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો અને એ દુષ્કાળની અંદર અહીંયાથી જીવનની પ્રગતિ થાય છે અહીંયાથી જીવનનું ઉત્થાન થાય છે બીજ વાવેલા હવે અહીંયા ફળ આપવા લાગે છે અને એ સમયે ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો અને એ સમયમાં ભણસાળી ટ્રસ્ટ દ્વારા મહાકાળી મંદિરમાં એક કેટલ કેમ્પ ખોલવામાં આવ્યો અને એ દુષ્કાળના સમયની અંદર જબરજસ્ત ગાયોની સેવા કરી છે જબરજસ્ત ભક્તિ કરી છે જબરજસ્ત સેવાના કાર્યો કર્યા છે અને એ કાર્યો એમને ફળ ઉદયમાં આવ્યા આજે લોક ચાહના ગામની અંદર ચાહના મેળવી ભક્તિના અવસરો જાગ્યા માટે જ તો એમ કહી શકાય કે લાગણીઓના ધોધ હજુ તબકે છે અમારા હૃદયમાં શું કહીએ એમના વિશે કે લાગણીઓના ધોધ હજુ તબકે છે અમારા હૃદયમાં આપના સ્મરણો જીવંત છે હજુ અમારા અસ્તિત્વમાં આપના હૈયામાં હામ હતી જગતને જીતવાની પર સેવા કરવાની આપનું જીવન હતું હજારોમાં પ્રેરણા સમો અને એ ધબકે છે હજુ અમારા હૃદયમાં એ ધબકે છે હજુ અમારા હૃદયમાં એમના સંસ્મરણોને એમના સત્કૃત્યોને એમની સુસેવાને વાગોળતા વાગોળતા આગળ વધી ગીત સાથે કે એક દિન એસા આયેગા તોડ ચલેગા જગ સે નાતા तोड़ चलेगा जग से नाता सदा सदा चल जाएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा तोड़ चलेगा जग से नाता चलेगा जग से नाता सदा सदा सो जाएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा जिनको तू अपना कहता है ये ना तेरे अपने हैं जिनको तू अपना कहता है ये ना तेरे
अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सारे सब सपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सारे सब सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, ओ, छोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा चल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में डूब रहा। जब से जग को अपना समझा, जब से प्रभु को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में डूल रहा। अभी वक्त है सुन ले बंदे, अभी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, ओ, तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा चल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, इस दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदियों का पानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदियों का पानी है। बचपन तेरा बीत गया, बचपन बीत जाता है कुछ मालूम नहीं पड़ता, बातों बातों में बचपन बीत जाता है, जवानी भी चली जाती है, जब बुढ़ापा आता है तब सम्यक्त्व आत्मा होता है। शीघ्र ही मोक्ष में जाने वाला जो आत्मा होता है उसको एक प्रकार की चिंता, एक प्रकार का टेंशन शुरू होता है कि मेरा बचपन और जवानी मेरी चली गई, बुढ़ापा आ गया है, मैंने सारी जिंदगी में क्या क्या कैसे कैसे कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, वो सारा हिसाब का विचार बुढ़ापा में आने लगता है। और जब बुढ़ापा आता है तब पूरी जिंदगी का, अशुभ कर्मों का जब पश्चाताप होता है, तो मान लेना कि ये आत्मा कम से कम भवों में मोक्ष में जाने वाली है। ध्यान से सुनने के भाग्यशाली, बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदियों का पानी है।
ये जीवन तो कल कल बहता एक नदियों का पानी है। हाथ गुरु का था मल वरना, हाथ प्रभु का था मल वरना, बीच पवर डूब जाएगा एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। टूट चलेगा जग से नाता, ओ आखी जिंदगी नी अंदर परिवार माटे दौड़िया, परिवार माटे धंधा करिया, साचू बोलिया खोटू बोलियो, सारा कर्म करिया खोटा कर्म करिया, जीवू जीवन जीव्या, परंतु जारे आ देह ने छोड़ी ने जवानो समय आवे छे, ए वक्ते आ परिवार माटे करेला अशुभ कर्मो के शुभ कर्मो एज साथे आवे छे, बाकी कशु साथे आवतो नथी। अगर अशुभ कर्मो कर्या होय, अगर खोटू बोल्यो होय, खोटा धंधा कर्या होय, अने ज्यारे आपणो लास्ट समय आवे त्यारे आपणा परिवार माथी ए आपणा आगळना भवनी अंदर जे आपणे दुख पड़वानो छे एमांथी कोई आपणो हिस्सेदार भागीदार थवानो नथी, ए कर्म आपणे पोताने ज एकलाने ज भोगवा पड़े छे। बचपन तोड़ चलेगा जग से नाता, तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा चल जाएगा एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। नहीं जाएगा लख चौरासी जिसने प्रभु को पाया है, नहीं जाएगा लख चौरासी जिसने गुरु को पाया है, बड़ बागी है प्रभु संग जिसने जीवन सफल बनाया है, बड़ बागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। प्रभु चरणों में प्रीति कर ले, चरणों में प्रीति कर ले, अंत गुरु में समाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, ओ छोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, इस दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। अहिया पधारे।